प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का एक टॉपिक लेते हैं, समांतर श्रेणी। उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ नंबर दे दिए जाएं, 3, 5, 10, 15, 0, और हम आपसे पूछें कि बताइए इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे भाई हम नहीं बता सकते क्योंकि इस नंबर्स का कोई क्रम नहीं है। फिर हम आपसे कहें कि अगर ये 2 लिखा हो, ये 4 लिखा हो, ये 8 लिखा हो, ये 16 लिखा हो, ये 32 लिखा हो, अब बताइए ये नंबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ नंबर आएगा 64। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, गुणा करके बनाया गया है, यानी ये एक क्रम में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब होता है कि जब नंबर्स किसी क्रम में लिखे हों, वो गुणा करके बनाया गया हो, भाग करके बनाया गया हो। अब अगर इसी नंबर को जो हमने लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, इसी को हम प्लस साइन से या माइनस साइन से जोड़ दें तो ये बन जाती है श्रेणी। इसको कहते हैं श्रेणी। अब हम पहुंच गए कहाँ पे? श्रेणी पे। अब आपका टॉपिक है समांतर, नाम से लग रहा है सम अंतर, अरे जहाँ पर नंबर्स का जो अंतर है वो सम हो, यानी कि अगर एक नंबर 2 लिखा, अगला नंबर 4 लिखा, अगला नंबर 6 लिखा, अगला 8 लिखा, तो यानी इसमें हमने क्या किया कि इसका और इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, तो चूंकि यहाँ अंतर समान है इसलिए इसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में लिखते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हर बार हम AP लिखेंगे, यही लिखा जाता है। तो अब बात करते हैं समांतर श्रेणी कैसे लिखी जाती है, ज़रा समझिएगा। तो सबसे पहले हमने बात की अनुक्रम क्या होता है, इसके बाद की हमने श्रेणी क्या होती है। अब अगर हम नंबर 1 लिख दें A, और इसमें कोई नंबर जोड़ दें, हमने D जोड़ दिया, तो नंबर क्या बन गया? A+D। फिर D जोड़ दिया, नंबर क्या बन गया? A+2D। फिर D जोड़ दिया, नंबर क्या बन गया? A+2D। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जहां A क्या है, ये है प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको हम किससे लिखेंगे? T1। A+D क्या है? ये दूसरा पद है। A+2D क्या है? ये तीसरा पद है। और A+3D क्या है? ये चौथा पद है। अब अगर यहां पर D की हम बात करें, ये चौथा पद है A+3D। अगर D की बात करें, इसको कहते हैं अंतर, लेकिन चूंकि यहां पर अंतर सभी 2 पदों के बीच में समान है इसलिए कहा जाता है ये सर्व अंतर है, यानी कि इसको कहेंगे आप सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर दो, दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर दो, या तीसरे पद में दूसरे पद को माइनस कर दो, या चौथे पद में तीसरे पद को माइनस कर दो। तो सर्वांतर हमेशा इसी फार्मूले से निकाला जाता है। क्यों? मान लिया हम आपसे कहें कि एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है, इसमें अंतर कितने का है? आप कहेंगे 2 का। हमने कहा ठीक है, एक नंबर 4 है और एक नंबर 2 है, अंतर कितने का है? आप कहेंगे 2 का। तो आप, जबकि 2 का अंतर नहीं है, कहीं पर बढ़ गई वैल्यू, कहीं पर घट गई, तो हमेशा इसमें से इसको माइनस करके आप निकालेंगे, यानी यहाँ पर D निकालने के लिए 4 में 2 माइनस करेंगे, और यहाँ पर D निकालने के लिए 2 में से 4 माइनस करेंगे। तो ये तो हो गया समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब हमने कहा भाई आप 50वां पद निकालिए, तो एक तो तरीका होता है पूरे 49 पद लिखिए आप, जो कि संभव है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम बात करते हैं इसका व्यापक पद कैसे निकाला जाए, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद जनरल टर्म क्या होता है, जरा समझिएगा। हमने कहा पहला पद क्या है? A। इसमें D कितना है? तो आप कहेंगे इसमें D है 0, यानी यहाँ पर कोई भी D नहीं है। इसको हम चाहें तो इसको 1-1D लिख सकते हैं, ये हो गया पहला पद। हम बात कहें दूसरा पद क्या है, तो आप कहेंगे A+D। कितने D यहाँ पर है? 1D, यानी कि ये हो जाएगा A+2-1 × D। हम कहेंगे तीसरा पद क्या है, तो आप कहेंगे A+2D, यानी A+3-1 × D। आप क्या देख रहे हैं इसमें?
कि जब पहला पद हमने निकाला तो ए तो सब में लिख रहे हैं, पहले पद में हमने लिखा 1-1, दूसरे में लिखा 2-1, तीसरे में लिखा 3-1, तो जब हम एनवा पद निकालेंगे, एनवा पद यानी जो व्यापक पद है, एक्चुअली में ये एनवा पद है, तो जब एनवा पद निकालेंगे इसको टीएन लिखेंगे, तो ए प्लस पहले पद में 1-1, दूसरे में 2-1, तीसरे में 3-1, तो एनवे में क्या आएगा, एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये किसी भी समांतर श्रेणी के एनवे पद का फार्मूला होता है। अब अगर हमें मान लें कि समांतर श्रेणी में एन ही पद हैं, तो यही एनवा पद आपका जो होगा वो लास्ट पद हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये तो है समांतर श्रेणी का कंसेप्ट। अब जरा कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम कोई एक श्रेणी लिख के चलते हैं, हमने कहा एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, ये समांतर श्रेणी है, और हमने कहा इसका 25वां पद ज्ञात करो, 25वां पद आपको निकालना है, यानी आपको T25 यहां पर निकालना है। देखिए यहां पर पहला पद क्या है, तो ये 2 है, सर्वांतर क्या है, D क्या है, D को हमने बताया हमेशा इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी T2 में से T1 माइनस करेंगे, यानी कि 4 में से 2 माइनस करेंगे, D क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको यहाँ पर 25वां पद निकालना है, T5 निकालना है, T25। अब आप कहेंगे भाई फार्मूला हमारे पास है, हम जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अभी हमने प्रूफ किया है। तो हमने यहां लिखा T25, ए कितना हो गया, ए यहां पर है 2, प्लस एन यहां पर क्या है 25, तो आएगा 25 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी यहां पर है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये आएगा 24 इंटू 2। जरा ध्यान रखिए 2 प्लस 24 मत कर दीजिएगा, पहले इसको गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 24 दुना 48, तो 25वां पद क्या होगा 50। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के n पद को निकालने का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब जरा देखिएगा एक और फार्मूला, हमने कहा ये समांतर श्रेणी है, ये a है, इसके बाद हमने d जोड़ा, a प्लस डी हो गया, इसके बाद फिर डी जोड़ा, ए प्लस टू डी हो गया, इसके बाद फिर डी जोड़ा, ए प्लस थ्री डी हो गया, लास्ट पद क्या हो गया, एल। अब मैंने आपसे कहा कि अंतिम से एनवा पद निकालो। अब इसके दो तरीके हैं, मान लिया हम आपको बता दें कि कुल 50 पद हैं और हमने कहा अंतिम से 24वां पद निकालो, तो आप इधर से गिन लीजिए, उधर से 24 गिन लीजिए और शुरुआत से निकालो 26वां पद होगा या 27वां, ये तो लंबा प्रोसेस है। तो अब करेंगे क्या, अगर आपको फार्मूला लिखना है अंत से एनवा पद, तो अंत से एनवा पद कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, आपने प्रारंभ से एनवा पद लिखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जब अंत से एनवा पद निकालेंगे टी एन बराबर, तो देखिए ए क्या है, ये प्रथम पद है, लेकिन जब बात अंत की करेंगे तो अंत में प्रथम पद क्या आपका आ रहा है, एल, तो एक जगह क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। इधर से जो डी प्लस होता हुआ जा रहा था, उधर से जब डी आएगा तो क्या होगा, माइनस होके आएगा, तो माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया अंत से एनवा पद। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लिया हमने सीरीज ली 3, 6, 9, 12 और लास्ट में हमने मान लिया 99, तीन का गुणक है, ध्यान रखिएगा ये पद उसमें आना चाहिए। हमने कहा कि अंत से 15वां पद ज्ञात करिए, तो अंत से 15वां पद, अंत से 15वां पद निकालना है, क्या क्या दिया गया है, इसमें ए दिया गया है 3, डी क्या है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 6-3 यानी कि 3, लास्ट पद क्या है 99। अब देखिए अंत से एनवे पद का जो फार्मूला होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ बुक्स में फार्मूला यहां प्लस लिखा हुआ है लेकिन वहां डी का साइन बदल देते हैं,
क्योंकि अगर d इधर प्लस करके बनाया गया है तो जब उल्टी सीरीज आएगी तो माइनस करके बनाई जाएगी। तो आप या तो यहाँ पर साइन बदल दीजिए या यहाँ पर साइन बदल दीजिए, ठीक है, लेकिन आप यहाँ माइनस लगा दीजिए। d वही लिखा जाएगा जो पहले से आया हुआ है। l यहाँ पर क्या है, लास्ट पद 99 माइनस n क्या है, हमने कहा कि 15वां पद, तो 14 माइनस 1 इंटू डी क्या यहां पर है 3, तो आएगा आपका 99 माइनस 13 इंटू 3, 99 माइनस 39 ये आएगा 60। तो इस प्रकार से अंत से nवां पद और प्रारंभ से nवां पद। जरा एक चीज और देखिएगा इसमें, समांतर श्रेणी लगाने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो हमको प्रथम पद चाहिए, हमको प्रथम पद चाहिए और हमको सर्वांतर चाहिए। अब मान ले कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद या पीवा पद क्यू है, यानी मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि किसी समांतर श्रेणी का जो पीवा पद है वो क्यू है। हमने पहले से मान रखा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो जब हम पीवा पद निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये पहला समीकरण हो गया। इसके बाद हमने कहा कि इसका क्यूवां पद पी है, क्यूवां पद का मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब आपको ए चाहिए और डी चाहिए, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना पड़ेगा। युगपत समीकरण आपने सीखे हैं हल करने के लिए। अब जरा देखिए इन दोनों के गुणांक बराबर हैं, इन दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो दोनों को हल कर लीजिए। समीकरण एक और दो को हल करने पर, समीकरण एक और दो को हल करने पर, ये युगपत समीकरण आपने सीखे हैं, उसी के आधार पर इसको हल करेंगे। देखिए ए क्या है, ए प्लस पहला समीकरण है p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और ये है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब साफ साफ दिख रहा है कि a जो दोनों में समान है और दोनों के साइन भी समान है, तो दोनों को घटाने पर आप इसको हल करेंगे, क्योंकि घटाने पर इनका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ये दोनों कैसे हो गए, कैंसिल हो गए, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो कैसे होंगे, p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एलजेब्रा के लिए कहा जाता है एलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ साइन, ये चिन्हों की गणित है, यहाँ प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस यहाँ क्या बचेगा, q माइनस वन इज इक्वल टू q माइनस पी। इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो आएगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ से वन और वन कैंसिल हो गया, ये बचा p माइनस क्यू, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो d की वैल्यू आएगी q माइनस पी अपान p माइनस क्यू। जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों एक जैसे हैं, केवल माइनस का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p माइनस क्यू, और नीचे क्या बच रहा है p माइनस क्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, तो d का मान हमको निकल आया। अब इस d की वैल्यू उठाइए, समीकरण एक और दो किसी में रख दीजिए, तो d का मान फिलहाल हम समीकरण एक में रखते हैं। d का मान समीकरण एक में रखने पर d का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए, समीकरण एक क्या है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। जरा d का मान रखिए, तो a प्लस पी माइनस वन और d की वैल्यू है माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो आएगा a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, a की वैल्यू क्या आ गई q प्लस पी माइनस वन, तो ये a की वैल्यू निकल आई और ये d की वैल्यू निकल आई। अब आपसे उन्होंने कहा कि आप इस जो समांतर श्रेणी है इसका p प्लस क्यूवां पद याद करिए, यानी आपको निकालना है t p प्लस क्यू,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ए का मान रखिए, a की वैल्यू कितनी है इसको थोड़ा इधर लिखिएगा, देखिए a की वैल्यू आप रखेंगे p माइनस वन और प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस वन, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो q प्लस पी माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, ये सब कट जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी जीरो। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के जो आपका व्यापक पद है उसके बेस क्वेश्चन हम डिस्कस किए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी को जोड़ा कैसे जाता है। अगर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 50 पद आपको दे दिए जाएं तो इनको जोड़ेंगे कैसे, तो आप कहेंगे भाई जोड़ने का एक तो तरीका यह है कि सभी पदों को अलग अलग जोड़ दीजिए, जो कि बहुत टफ पड़ेगा। तो देखिए समांतर श्रेणी का योग कैसे करते हैं, समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। देखिए हमने कहा एक समांतर श्रेणी है a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी प्लस लास्ट पद क्या होगा, आप कहेंगे l, इसके पहले क्या आएगा l माइनस डी, क्योंकि हमने इधर जो सीरीज बनाई है उसमें d को प्लस किया है, तो उल्टा लिखेंगे तो d को माइनस करेंगे और इसका योगफल हमने क्या मान लिया s। अब इसी सीरीज को पलट के लिख दीजिए तो योगफल तो वही रहेगा, अगर एक से लेकर के 10 तक जोड़ो या 10 से लेकर के 1 तक जोड़ो तो वैल्यू वही आएगी। इसको पलट के लिख दीजिएगा, L को इसके नीचे लिख दो L प्लस, इसको इसके नीचे लिख दो L माइनस डी प्लस, इसके पहले क्या आएगा L माइनस टू डी प्लस, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा L के नीचे और ये जाएगा A प्लस डी इसके नीचे, योगफल वही रहेगा यानी इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी। अब क्या करें, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर, जोड़ने पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 2s, कितने पद हैं n पद हैं, इसको जोड़ेंगे तो आएगा a प्लस एल प्लस, यहाँ देखिए माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा a प्लस एल, यहाँ देखिए माइनस टू डी और प्लस टू डी कट जाएगा, क्या आएगा a प्लस एल और लास्ट में क्या आएगा a प्लस एल। तो आप कहेंगे भाई जितने भी पद हैं सब में क्या आ रहा है a प्लस एल आ रहा है, तो a प्लस एल हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितने पद हैं, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर n पद हैं, तो वो एक को दो बार जोड़ो तो दो आएगा, तीन बार जोड़ो तीन आएगा और n बार जोड़ो तो n आएगा, तो आएगा n इंटू ए प्लस एल, ये क्या निकला है 2s, तो s बराबर क्या आएगा n बाई टू ए प्लस एल। एक तो ये फार्मूला आपका हो गया, अगर n पदों का योगफल निकाला जाए तो एक तो सूत्र ये हो गया s बराबर n बाई टू ए प्लस एल। अब जरा देखिएगा l को क्या बताया गया है, l को बताया गया है लास्ट पद, और आपने पहले से मान रखा है कि हमारे पास n पद हैं, तो चूंकि l जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को अभी tn बताया गया है, तो l की जगह इसका मान रख दो तो आएगा s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n बाई टू ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका n पदों के योगफल का एक और फार्मूला, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ज़्यादातर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन अगर आपको पदों की संख्या मालूम है, प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, हमने एक समांतर श्रेणी ली, कोई भी एक उठा लीजिए, मान लिया हमने कहा 5 प्लस 10 प्लस 15 अप टू 100, अब बताइए इसका योगफल कितना होगा। तो एक तो तरीका होता है इसको सबको लिख करके जोड़ दीजिए नंबर जीरो, दूसरा तरीका यह है कि हमको प्रथम पद मालूम है, ए यहाँ पर क्या मालूम है 5,
आपको इसके इसके बीच का अंतर मालूम है, डी मालूम है, 10 माइनस 5 यानी कि 5। आपको अंतिम पद मालूम है L, L बराबर 100। तो आप कहेंगे फॉर्मूला लगा दे n बाई टू ए प्लस एल, लेकिन हमको पदों की संख्या नहीं मालूम। तो ये जो अंतिम पद है यही आपका क्या होता है, यही आपका nवां पद होता है। तो सबसे पहले nवें पद का फॉर्मूला लगा करके आपको लगाना पड़ेगा n की संख्या। तो देखिए tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या यहां पर है, tn है 100, a यहां पर क्या है, a की वैल्यू है 5 प्लस n मुझको मालूम नहीं है, और d यहां पर क्या है, d है आपका 5। तो ब्रैकेट खोल दीजिए तो आएगा 100 इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है इसका गुणा होता है। तो जब 5 अंदर जाएगा तो आएगा 5n माइनस 5, ये 5 5 कट जाएगा, तो क्या आ गया 100 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू क्या आएगी 100, ये मल्टीप्लाई में 5 है तो ये डिवाइड में आएगा 5 इज इक्वल टू 20, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 20। अब अगर n पदों का योगफल निकालना है तो Sn बराबर होता है n बाई टू, या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कर दीजिए, लेकिन चूंकि हमको अंतिम पद मालूम है तो हम क्या लगाएंगे a प्लस l। अब वैल्यू उठा के रख दीजिए, n की वैल्यू क्या है 20, तो 20 बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 100, ये 10 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, इनटू ये कितना आएगा 105, तो 150। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी। आप चाहे ए प्लस एल लगा दीजिए, चाहे 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी लगा दीजिए, तो इस प्रकार से आप योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आते हैं। अगर आपको हम nवां पद दे दें, यानी nवां पद दिया है और आपसे कहें प्रथम पद निकालो, सर्वांतर निकालो, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। nवां पद हमने दिया कि जो nवां पद है समांतर श्रेणी का वो 3n प्लस 1 है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी n के पदों में अगर n की घात 1 है तो वो हमेशा समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, ये पक्की बात है। आप इसमें पहला पद निकालिए, एनवा का मतलब ये क्या लिखा है, आप कहेंगे टीएन लिखा है, इसका पहला पद निकालिए, तो एन जगह क्या रख दीजिए 1, इसके इसके बीच चिन्ह कौन सा होता है गुणे का, तो आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना आएगा 3 प्लस 1, ये कितना आ गया 4। इसका दूसरा पद निकालिए, एन को 2 रख दीजिए, 3 इंटू 2, कम से कम 4 पद आपको निकालने पड़ेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तीसरा पद निकालिए, 3 इंटू 3 प्लस 1 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इसके बाद चौथा पद निकालिए, 3 इंटू 4 प्लस 1 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो आपकी श्रेणी क्या आई है, जो श्रेणी बनी है आपकी वो बनी है 4, 7, 10, 13। कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध करो ये समांतर श्रेणी है, उसके लिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, T2 में से T1 माइनस करो, कितना आएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, T3 में से T2 माइनस करो तो 3 आएगा, क्योंकि इसका इसका डिफरेंस और इसका इसका डिफरेंस जो अंतर है वो समान आया है, इसलिए ये समांतर श्रेणी मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, अगर nवां पद इस तरीके से दिया है तो n का जो गुणांक होगा वही सर्वांतर होगा। अगर हम आपसे कहें कि tn बराबर 4n प्लस 5 और आपसे पूछ ले इसका सर्वांतर क्या होगा, तो n का जो भी गुणांक है यही सर्वांतर आएगा। लेकिन हम कहें सिद्ध करके दिखाओ, ये दिखाइए समांतर श्रेणी में है, तो पहले आपको t1 निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा, ये निकाल के इस प्रकार से इसका प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अगर nवां पद दिया है, कभी कभी क्या होता है कि n पदों का योगफल दे दिया जाता है। देखिए अगर n पदों का योगफल दिया होगा तब किस प्रकार से समांतर श्रेणी को आप लगाएंगे, देखिए n पदों का योगफल जब भी देंगे n की घात हमेशा 2 रहेगी, ये पक्की बात है। जैसे मान लिया
हमने कहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी इसको एपी बोलते हैं, के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल हमने मान लिया कि ये 3n² + 1 है, ये योगफल है, एसएन दिया गया है, इसको एसएन लिखते हैं, एसएन बराबर 3n² + 1। तो आप इसका सर्वांतर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको एनवा पद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपको 10 पद हैं, 10 में से 9 पद हटा दीजिए तो 10वां पद निकल आएगा। तो पहले आपको इसका एनवा पद निकालना पड़ेगा, यानी टीएन निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, एन पदों के योगफल में से एन माइनस वन पदों का योगफल माइनस कर दीजिए, यानी कि 3n² + 1 में से माइनस कर दीजिए 3n - 1 का स्क्वायर + 1। अगर 10 पदों के योग में से 9 पद का योग आप हटा रहे हो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, वो 10वां पद मिल रहा है आपको। देखिए, तो ये है आपका 3n² + 1 माइनस, इसको खोलिएगा 3, इसको खोलेंगे क्या आएगा, n² + 1 माइनस का 2n + 1, इसको ब्रैकेट को अंदर कर दीजिए, ब्रैकेट खोलिए, तो tn इज इक्वल टू निकलेगा 3n² + 1 माइनस आएगा 3n² ये माइनस का जाएगा माइनस का 6n 1 1 2 3 2 6 प्लस का 6, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो आएगा 3n² + 1 माइनस 3n² + 6n माइनस 6, ये कट गया तो क्या आ गया 6n - 5, ये tn निकल आया। अभी हम बता चुके हैं कि अगर n की घात 1 हो, यानी n की घात 1 हो, तो ये एनवा पद हमेशा समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपका एनवा n पद निकल आया, अब आपको क्या निकालना है, मान लिया 10वां पद निकालना है, तो इसी में n को 10 रख दो। मान लिया आपसे कहें कि आप 10वां पद निकालिए, 10वां पद निकालो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनवा पद निकालना पड़ेगा या 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल माइनस करना पड़ेगा, तो t10 निकालना पड़ेगा। 6 × 10 - 5 = 60 - 5 = 55। इस प्रकार से आप n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब जरा एक चीज और जरा समझिएगा, कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है। देखिए, एक नोट करके इसको नोट कर लीजिएगा, एक विशेष बात है, प्रारंभ से समांतर श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, प्रारंभ से एनवा पद tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, यानी प्रारंभ से 10वां पद और अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, तो आप कहेंगे l - n - 1 × d, इसको t-n मान लीजिए। अगर दोनों को जोड़ो tn + t-n, तो हमें